नमस्कार। आज हम बनाएंगे सोयाबीन पुलाव। ये छोटे वाले सोयाबीन जो होते हैं वो ले लिए, अगर आपके पास बड़े हैं तो बड़े ले लीजिए। एक कटोरी छोटे वाले सोयाबीन। अब इसको हम गर्म पानी में भिगो देंगे। तो एक गिलास के करीब गर्म पानी डाल रही हूँ। बस 5 मिनट में सोयाबीन फूल जाएगा अच्छे से। ये हमने बासमती चावल ले लिया है, साबुत बासमती चावल है। तो इसी गिलास से, एक गिलास चावल है इसी गिलास से मैं आपको पानी बताऊंगी, परफेक्ट चावल पकेगा आपका। तो सबसे पहले इसको 2-3 पानी अच्छे से धो लेते हैं। चावल 2 से 3 पानी धो लिया है। तो सबसे पहले हम चावल पकाएंगे। तो चावल को कुकर में डाल देंगे। तो जिस गिलास से मैं चावल ली थी उसी गिलास से हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। जी 1.5 गिलास, इसमें बिल्कुल परफेक्ट चावल पकेगा हमारा। तो जिस भी बर्तन से आप चावल ले रहे हैं उसी बर्तन से आप 1.5 गुना पानी डाल दीजिए। तो इसको 1 सीटी आने तक चावल को पका लेंगे। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसका प्रेशर ख़त्म होने के बाद चावल निकालेंगे। तो सोयाबीन भी अच्छे से फूल गया। अब हम इसको अच्छे से मसल के धो के निचोड़ लेंगे। 2 पानी धो देंगे इसको 2 पानी से और धुल गया हमारा सोयाबीन। तो एक कढ़ाई में डाल दिया है 2 चम्मच तेल। तो मेरी फाइन ऑयल ले रही हूँ, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं ले लीजिए। तो हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो सबसे पहले हम सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे। हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे इसको। देखिए सोयाबीन को हल्का सा कलर आने तक भून लिया है। अब इसको निकाल लेंगे। वापस कढ़ाई में डाल दिया है 2 चम्मच तेल और साथ में डाल देंगे 1 चम्मच बटर। अब डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच साबुत जीरा और 2 तेज़पात और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और साथ में डाल देंगे 2 पिंच हींग। और अब डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज का प्याज था लंबे में काट लिया है। प्याज को अच्छे से हम भूनेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन आने तक प्याज को तेल में ही भून लेंगे। देखिए प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन आ गया है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इतना ही भूनेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 5-6 लहसुन की छोटी कली थी पीस ली है, इसको भी हल्का सा भून लेंगे। इसमें कच्चापन दूर हो जाए इतना भूनेंगे। आज को मीडियम फ्लेम पे करके ही सारे तड़का जितना ही भून रहे हैं सब मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे। अब डाल देंगे मसाले। तो ये 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, हल्का सा हल्दी पाउडर डालेंगे कलर आने के लिए। छोटे से चम्मच से 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाले से सोयाबीन पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी डालिएगा ज़रूर। साथ में 1 चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर आएगा, तीखा नहीं होगा। मेरी हरी मिर्च तीखी थी इसीलिए मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही हूँ, आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 10 से 20 सेकंड के लिए इसको तेल में ही मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। मसाला हमारा भून गया है। तो ये हमने लिया है 1 मीडियम साइज का टमाटर था, इसको लंबे में काट लिया है। जैसे टमाटर डालेंगे साथ में डाल देंगे नमक। तो नमक डाल दें टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 से 2 मिनट इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे। मसाले भी अच्छे से पक जाएगा, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो ढक के पका लेंगे। टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। साथ में डाल देंगे 1 चम्मच हरे धनिया की पत्ती कटी हुई और जो हमने ये सोयाबीन भून के रखा था इसको भी डाल देंगे।
सोयाबीन के साथ भी कुछ सेकंड के लिए हम पका लेंगे इसको। तो अब जो हमने चावल पकाया था, तो मैंने निकाल दिया था चावल, थोड़ा सा अलग हो गया है। अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया सब चीज़ें। तो इसको ढक के हम 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे, केवल 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा देर नहीं। देखिए हमारी सोयाबीन पुलाव बनके तैयार है, बिल्कुल खिली खिली कैसे अलग अलग बनी है। ये तरीका आपको पसंद आए, ज़रूर बताइएगा अगर मेरा तरीका पसंद आए। लास्ट इसमें डाल देंगे हरे धनिया की पत्ती थोड़ी सी, और हमारी सोयाबीन पुलाव बनके तैयार है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।